अरे ये माथे पर तिलक और त्रिशूल बनवाकर क्या दिखाना चाहते हो भाई? ये तुम शिवलिंग पर दूध क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये हाथों में कैसे एक कालावा या काला धागा बांध रखा है? अरे तुम मंदिर जाते हो, तस्वीरें क्यों डालते हो? ऐसे बहुतेरे सवाल हिंदू समाज में ही तमाम लोग आए दिन पूछते रहते हैं। इन बुद्धिजीवियों को आज कुछ तस्वीरें दिखाने का मन। ये देखिए, ये बजरंग पुनिया है जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है, और इनकी ये कुछ तस्वीरें हैं जो अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। इसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये साक्षी मलिक हैं जो शिवलिंग की पूजा कर रही हैं, इन्होंने भी कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। ये प्रियंका गोस्वामी हैं जिन्होंने जब सिल्वर मेडल जीता तो एक हाथों में लड्डू गोपाल और एक हाथों में सिल्वर मेडल था। कहा कि भगवान कृष्ण मेरे माता पिता के आशीर्वाद से ये सपना पूरा हुआ है, ये उनको समर्पित करती हूँ। ये दीपक पुनिया है, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है, और देखिए कैसे भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त बनकर यहाँ पर केदारनाथ के सामने तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। ये पीवी सिंधु हैं, संभवतः ये भी मेडल लेकर आएंगी, हाथों में कलावा दिख रहे हैं। अब हो सकता है कुछ बुद्धिजीवी ये सवाल पूछें, क्या केवल भक्ति के जरिए इन्होंने उपलब्धि हासिल की? तो जवाब है नहीं, लेकिन ये भी सच है कि भक्ति में अटूट शक्ति होती है, और इस शक्ति को वो समझ सकते हैं जिन्होंने ईश्वर पर विश्वास किया है, जिन्हें उन पर अटूट भरोसा है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद उन युवाओं को ये बताना था कि ऐसे तथा कथित बुद्धिजीवियों की आप बातों में मत आइए। ये जवाब उन लोगों को भी है जो कह रहे थे किताबें उठाइए, कावड़ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दोनों कर सकते हैं। अगर आपको ईश्वर में विश्वास है, आप लगाइए तिलक, आप कलावा पहनिए, आपकी मर्जी है। आपका ईश्वर है, आपकी आस्था है, आपकी संस्कृति है, आपका कल्चर है, और अपनी जड़ों से जुड़े रहना ये शर्म की नहीं गर्व की बात है। इसमें किसी को हम नीचा नहीं दिखा रहे, लेकिन अपनी संस्कृति पर गर्व करना ये हर व्यक्ति का अधिकार है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी ये करें, तो आपको इसे कैरी करने में शर्म नहीं बल्कि गर्व की अनुभूति होनी चाहिए, और ये खिलाड़ी यही संदेश आपको दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।